गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स, बच्चों आप सभी का यूकेजी की क्लास में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे हैं और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं। बच्चों, इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था दो अक्षर वाले शब्दों को जोड़ करके शब्द लिखिए, तीन अक्षर वाले शब्दों को जोड़ के शब्द लिखिए। आज हम लोग सीखेंगे चार अक्षर जोड़कर लिखें। जब आपने बच्चों दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले शब्दों को जोड़ के शब्द बनाना सीखा है, तब आपको चार अक्षर वाले शब्द भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं शुभ। सबसे पहला हमारा है यहाँ पर क स र त। क एक व्यंजन अक्षर है, आप लोग जानते हैं क से कबूतर। स स भी एक व्यंजन अक्षर है, स से सपेरा। र र भी एक व्यंजन अक्षर है, र से रथ। और त त से तरबूज, त एक व्यंजन अक्षर है। इन चारों को जब हम जोड़ेंगे क स र त, तो कौन सा शब्द बनेगा? कसरत। क स र त, कसरत। बच्चों, कसरत का अर्थ क्या होता है? एक्सरसाइज करना। देखिए यहाँ पर इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? कसरत। आपकी मम्मी पापा या आपके बड़े आपको कहते हैं ना, सुबह उठ के क्या करो? कसरत करो। इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या है? ट, ट से टमाटर। जोड़ म, म से मछली। जोड़ ट, जोड़ म, ट म ट म, टम टम। टम टम क्या होता है बच्चों? आपने कभी देखा है टमटम? देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ। देखिए यहाँ पर ये है टमटम, मतलब घोड़ा गाड़ी। पहले के समय में कहीं कहीं जगहों पे बच्चों गाड़ी नहीं चलती थी। अभी तो आप लोग ऑटो रिक्शा में, बस में या अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं ना। पहले तो ये सब नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टमटम में जाते थे। हम यहां लिखेंगे ट म ट म, टम टम। हमारा तीसरा शब्द है, ध्यान दीजिए यहां पर, ग र द न। ग से क्या आता है? गमला। र से रथ। द से दवात। और न से नल। जब हम इन चारों अक्षर को जोड़ेंगे ग, हम यहां लिखेंगे ग, उसके बाद र द और ये न, तो क्या शब्द बन गया हमारा? गर्दन। गर्दन मतलब गला, ये हमारा गर्दन है, गला। इसके बाद है न, न से नल। जोड़ ट, ट से टमाटर। फिर जोड़ ख, ख से खटमल। जोड़ ट, ट से टमटम। अब हम इसे जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ सबसे पहले हमने लिखा न, उसके बाद लिखा ट, उसके बाद ख और आखिरी में ट। तो ये क्या शब्द बन गया? देखिए नटखट। नटखट मतलब शरारती। शरारत आप कब करते हैं? बचपन में, जब आप लोग छोटे रहते हैं तो शरारत करते हैं। कौन करता है? बच्चे करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे शरारत कर रहे हैं। देखिए
ये सब क्या है? बच्चे हैं, नटखट बच्चे, आप जैसे शरारती बच्चे। अब हमारा इसमें है, देखिए पहला अक्षर है, ये है स्वर अक्षर, हर्ष्व उ, हर्ष्व उ से उल्लू, जोड़ ब, ब से बटन, जोड़ ट, ट से टमाटर, और जोड़ न, न से नल। अब हम इन चारों को जोड़ के यहाँ पर पहले लिखेंगे कि क्या बनता है। हमने सबसे पहले क्या लिखा? हर्ष्व उ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ब, फिर उसमें जोड़ेंगे ट, और आखिरी में न, बन गया उबटन। उबटन क्या होता है बच्चों? उबटन का अर्थ होता है एक प्रकार का लेप जो चेहरे पे लगाया जाता है, जिससे चेहरे में सुंदरता और बढ़ती है। ये अधिकतर आप कहाँ देखेंगे? किसी की शादी होती है ना, तो उसे लगाया जाता है, ये है उबटन। बच्चों हमने इसे अब जोड़ना सीखा, इन चार अक्षरों को जोड़ के लिखना सीखा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, चार अक्षर वाले शब्द लिखे। अब हम कुछ चार अक्षर वाले शब्द लिखेंगे, आप बोलेंगे। सबसे पहला शब्द हम लोग लिखेंगे बचपन। देखिए ब, च, प, न, ये बन गया चार अक्षर वाला शब्द बचपन। बचपन हमने आपको बताया ना, बचपन किस प्रकार का होता है? देखिए बचपन का अर्थ होता है ये, जब हम छोटे रहते हैं तो ये हमारा बचपन है। उसके बाद हम बताएंगे, लिखेंगे यहां पर दूसरा शब्द त, र, क, तलाबेश। ये क्या बन गया? पढ़िए एक साथ, तरकश। तरकश का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसमें हम लोग तीर कमान रखते हैं, देखिए इसे कहते हैं तरकश। तीर को रखने क्या एक प्रकार का ये रहता है, उसको हम बोलते हैं तरकश। इसके बाद हम लिखेंगे प, र, व, ल। ये क्या बन गया बच्चों? एक साथ पढ़िए, प, र, व, ल, परवल। परवल क्या है? सब्जी का नाम है, आपकी मम्मी बनाती है ना, देखिए क्या है? परवल, इसे कहते हैं परवल। अब हम लिखेंगे अ, च, क, न, अचकन। अचकन क्या होता है बच्चों? अचकन का अर्थ होता है एक प्रकार का कोट जो पूरे गले से लेके बंद रहता है, देखिए ये पूरा गले से लेकर नीचे तक रहता है, पैक रहता है पूरा, उसे कहा जाता है अचकन। और आखिरी वर्ड है हमारा ई, क, स, ठ, 61। क्या हो गया ये? 61। 61 किसको कहते हैं? 61,
61 को 61 कहा जाता है हिंदी में। देखिए 61 इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इन शब्दों को एक साथ दोहराएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे दोहराइए। पहला है शब्द ब च प न, बचपन बचपन। दूसरा है त र क, तलाबेश तरकश तरकश। तीसरा है प र व ल, परवल परवल। चौथा है अ च क न, अचकन अचकन। और आखिरी है ई क स ठ, इकसठ इकसठ। बच्चों आज हमने आपको चार अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना सिखाया और चार अक्षर वाले शब्द कैसे लिखते हैं वो सिखाया आपको। अब आपका ये काम है कि आप अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिख लिख के सीखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।